जय जय महातपस्वी महाश्रमण जय वीतराग अवतारी जय महातपस्वी महाश्रमण जय वीतराग अवतारी वीतराग अवतारी वीतराग अवतारी जय जय प्रभु प्रभुता धारी जय जय महातपस्वी महाश्रमण जय वीतराग अवतारी जय महातपस्वी महाश्रमण जय वीतराग जन के मन में व्याप्त तिमिर के तुम हो मुक्ति प्रदायक हे महाश्रमण युग नायक हे महाश्रमण युग नायक जन जन के मन में व्याप्त तिमिर के तुम हो मुक्ति प्रदायक हे महाश्रमण युग नायक हे महाश्रमण युग नायक धारा के प्राण त्राण तुम तेरा पथ अधिनायक हे महाश्रमण युग नायक हे महाश्रमण युग नायक जन जन के मन में व्याप्त तिमिर के तुम हो मुक्ति प्रदायक और हम भी इस बार भिक्षु स्वामी के ही मानव धाम में आए हुए हैं। भिक्षु स्वामी की भाव दीक्षा स्थली है, केलवा तेरा पंथ की जन्मस्थली है और वहां चतुर्मास कर रहे हैं और गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के द्वारा जो घोषित किया हुआ था उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यहां चतुर्मास करने आए और हमारा चतुर्मास अब तो संपन्नता की ओर है, संपन्नता के काफी निकट आ गया है। उड़ीसा हमारा जाने का निर्णय हो गया है। अब उड़ीसा के बाद का मैंने कुछ नहीं कहा, वहां जाने के बाद मैंने बात को कहना बंद कर दिया। उड़ीसा तक तो मैंने खूब कह दिया, उड़ीसा तक जाने की बात कहने के बाद अब आगे की बात जल्दी से कहना मैंने सन सम्मत के साथ कहना एक अभी तो कुछ समय के लिए बंद कर दिया है। उड़ीसा के बाद किधर जाना है वो निर्णय यथा समय हो सकेगा, अब कौन सी दिशा स्वीकार करनी है। बात यह है कि उड़ीसा के बाद दक्षिण है तो निकट, परंतु एक
सुझाव आता है कि इतने लंबे काल तक आपको राजस्थान से दूर नहीं रहना चाहिए, धर्म संघ से दूर नहीं रहना चाहिए। और एक चिंतन यह आ रहा है कि इतना निकट जाने के बाद दक्षिण को क्यों छोड़ा जाए, इतने दूर जा ही रहे हो तो वापिस चला करके जाना पड़े, उसकी अपेक्षा तो इतनी दूर जाने के बाद दक्षिण का काम पूरा करके बाद में राजस्थान लौटना चाहिए। ऐसे इस प्रकार के अनेक विकल्प हमारे सामने आ रहे हैं। पर मैंने एक बार तो 2018 के मर्यादा महोत्सव तक का कहने के बाद अब संसम्मत के साथ कुछ कहना कुछ समय के लिए बंद ही कर दिया कि अभी अब एक बार ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो अब दक्षिण की श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री की तो आशीर्वाणी सी है कि आपको सबको ही संभालना है, पूर्व क्या दक्षिण सभी को संभालना है, तो मंत्री मुनिश्री की मैं आशीर्वाणी के रूप में स्वीकार करता हूं। अच्छा है संघ की संभाल करें होना वैसे अच्छा भी लगता है। तो दक्षिण की यात्रा करनी है यह भी मैंने अभी तक कहा नहीं, मैंने पूर्वांचल का कहा है, पर दक्षिण की यात्रा करनी है यह अभी तक मैंने कहा नहीं है। और सोच विचार के और यथा अवसर यथा समय कहा भी जा सकता है, दक्षिण जाऊं भी, अगर मैं जाऊं भी तो कहां कहां जाऊं यह भी तय नहीं है। दक्षिण जाऊं चाहूं तो दक्षिण जाकर के एक दो वर्षों में लौट सकता हूं, चाहूं तो कुछ समय वहां ज्यादा भी लगा सकता हूं, और दक्षिण जाऊं तो भी बेंगलोर जाऊं न जाऊं क्या पता है, अभी तक कुछ तय तो है नहीं। दक्षिण भी जाना हो तो रास्ते तो और भी कहीं मिल जाएंगे मुझे, तो बेंगलोर को बिना पर्स से भी दक्षिण जाकर के मैं आ सकता हूं। तो यानी हम अभी तक सब खुला है, दक्षिण जाना अगर हो भी जाए तो भी बेंगलोर में जाना कोई अनिवार्य नहीं है, और बेंगलोर जाना हो भी तो चौमासा करना वहां अनिवार्य नहीं है, ऐसे भी जाकर के कुछ सप्ताह रह करके वापस आ सकते हैं। तो अभी सारे बातें अभी तो खुली, जैसा कि मैंने कहा कि अभी तक तो मैं बंधा हुआ नहीं हूं, न मैंने दक्षिण भारत की यात्रा की घोषणा की है। अगर दक्षिण जाऊं भी तो बेंगलोर जाऊं अथवा उससे वहां न जाऊं वो भी अभी तक मेरे हाथ में है, बेंगलोर जाऊं भी वहां चतुर्मास करूं न करूं वो भी मेरे हाथ में, कोई बंधन अभी तक नहीं है। आज मैं थोड़ा सा बंधन में आना चाहता हूं, थोड़ा सा बंधन में, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा बंधन में आ रहा हूं बेंगलोर के लिए, वो यह है परम पूज्य हृदय सम्राट भगवान महावीर को श्रद्धा सिक्त वंदन करता हूं, परम पूज्य महामना आचार्य भिक्षु के चरणों में वंदन करता हूं जिनकी दीक्षा भूमि में हम लोग बैठे हैं, और मेरे गुरुद्वय जिनके चरणों में रहने का मौका मिला, परम पूज्य गुरुदेव तुलसी और परम पूज्य गुरुदेव महाप्रज्ञ जी को श्रद्धा से याद करता हुआ उनको वंदन करता हूं, साध्वी प्रमुखा जी का अभिवादन करता हूं, श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री को वंदना करता हूं, हमारे बड़े संतों को भी वंदना करता हूं। इसके बाद इस केलवा की भूमि में इतना सा कहना चाहता हूं कि यदि मैं दक्षिण भारत की यात्रा करूंगा, यदि मैं दक्षिण भारत की यात्रा करूंगा तो एक चतुर्मास बेंगलोर में करने का भाव है।